ये रोडीज का 16वां साल है, इस साल रोडीज रियल हीरोज हैं। एक एडवेंचर रियलिटी शो है जहाँ पर पांच गैंग होंगे, पांच गैंग में पांच पांच कंटेस्टेंट्स होंगे, उन्हें आपस में कॉम्पिटिशन्स करने, अलग अलग एडवेंचर टास्क करने और कल्चरल टास्क करने और उसके बाद उनको इम्यूनिटी जीत के सर्वाइव करना है। पांच गैंग लीडर्स हैं हमारे, नेहा धूपिया, निखिल चिनप्पा, संदीप सिंह, रफ्तार और प्रिंस। अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत लोगों को इंस्पायर किया है और अब जब ये अपने गैंग्स को लीड करेंगे तो वो वही जो इन्होंने अपनी लाइफ में सीखा है, जिस तरीके से ये यहाँ तक आए हैं, वही उसको अप्लाई करेंगे। और इस जर्नी में लोग अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में पाते हैं जो रियल लाइफ में उनको नहीं मिलती और फिर ही वो जान पाते हैं कि उनका असली कैरेक्टर क्या है और वो अपनी एक्सपेक्टेशन से भी उम्दा परफॉर्म करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट रोडीज इज। इस साल हम 16वें सीजन पे जा रहे हैं साउथ में, कर्नाटका और केरला के हिल्स, नीलगिरी हिल्स के आसपास, एंड बहुत ही कंपेरेटिव शो होता है एडवेंचर का और ट्रैवल का। और मेरे हिसाब से यूथ में इसकी जो फॉलोइंग, वो इसीलिए बिकॉज ये हर साल अलग रहता है और एड्रेनलिन रश रहता है इसमें और लोगों को बहुत पसंद आता है। ऑडिशन बहुत अच्छा हो रहा है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, अगर आप बाहर देखें तो बहुत लोग आए हैं। बहुत अच्छा लगता है कि इतने सालों बाद भी जब आप किसी सिटी में आओ ऑडिशन लेने तो रिस्पॉन्स ऐसा तगड़ा रहे। ग्रुप डिस्कशंस पहला स्टेज होता है हमारा, वहाँ पर लोग आपस में एक टॉपिक पे बात करते हैं, उस टॉपिक पर वो क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से अपना वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक ग्रुप में वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वो इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं, ये सब चीज़ों को देखकर उनको आगे पर्सनल इंटरव्यू राउंड में भेजा जाता है, जहाँ पर वो हम पांचों को, हमारे पांच गैंग लीडर्स और मेरे को मिलते हैं। उसके बाद अगर वो आगे पहुँचे तो एक कलिंग राउंड होता है और फिर वो रोडी जर्नी में पहुँचते हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत ही सही, अलग अलग किस्म के इंटरेस्टिंग लोग दिख रहे हैं क्राउड में। होपफुली कल हमारे को कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स मिलेंगे जिनको हम जर्नी तक देखेंगे।